Hi friends, today we will learn class 5th Hindi book Rimjhum chapter 1st Raag Ki Rassi question answers and back exercise. Now let's start. First is Bhola Bhala. First, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे. जो तिब्बत के मंत्री थे वो अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे. तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर वे परेशान रहते होंगे. जो हमने सोचा है कि वो किन किन बातों को सोचकर परेशान रहते होंगे, मीन्स दुखी रहते होंगे. उत्तर, वे इन बातों को लेकर परेशान रहते होंगे. हमने कुछ बातें लिखी हैं जिनसे कि वो दुखी रहते होंगे. मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, परेशान मीन्स दुखी. उनके बेटे को कोई मूर्ख बनाकर घर संपत्ति ना छीन ले. उनका बेटा भोला था तो उसके बेटे को कोई मूर्ख बनाकर घर संपत्ति ना ले ले. घर मीन्स हाउस. एंड सेकेंड, ना जाने उनका बेटा पैसे कैसे कमाएगा और जीवन कैसे चलाएगा. जो उनका बेटा था वो पैसे कैसे कमाएगा, मीन्स मनी. मनी कैसे कमाएगा और लाइफ कैसे चलाएगा. जीवन मीन्स लाइफ. थर्ड, कहीं उनके बेटे का भोलापन उसकी ज़िंदगी ना ख़राब कर दे. ये जो बेटे का भोलापन था वो उनकी ज़िंदगी, मतलब लाइफ, ज़िंदगी लाइफ ख़राब न कर दे. क्वेश्चन टू, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करते. अगर आप मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती, क्या उपाय करती, क्या आइडिया करती, क्या उसको शहर भेज देती. नहीं. आंसर, उत्तर मीन्स आंसर, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन. मैं उनकी जगह होती, मैं आप उनकी जगह होती तो उसे दुनियादारी समझाती, अलग अलग किस्से सुनाती, लोगों की पहचान करना सिखाती, सवाल जवाब करती आदि. अगर मैं उनकी जगह होती तो उसको किस्से सुनाती, जैसे रामायण. महाभारत. सवाल जवाब करती है, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है. क्वेश्चंस लोगों की पहचान करना सिखाती आदि मीन्स एटसेट्रा. इट इज शहर की बातें, शहर की तरफ जो शहर में के को भेजने की बातें हुई थी. मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया. मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर भेजा. क्वेश्चन वन, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था. मंत्री जी थे, उन्होंने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा. उत्तर मीन्स आंसर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि वह दुनियादारी समझ सके और पैसे कमाना सीख सके, और पैसे कमाना सीख सके, वह होशियार बन सके और मुसीबत का हल निकालना सीख सके, सीख पाए.
थोड़े यहाँ पाया था मैंने सखे बोल दिया वो कि दुनियादारी सीख समझ पाए, पैसे कमाना सीख सके, पैसे मीन्स मनी। मनी और होशियार बन सके, अपनी मुसीबत का हल निकालना सीख सके। क्वेश्चन टू, उसने अपने बेटे को, ये मिसप्रिंट है या भेड़ो है, के साथ शहर में ही क्यों भेजा? मंत्री जी ने अपने बेटे को भेड़ो के साथ शहर में ही क्यों भेजा था? उत्तर आंसर, मंत्री जी ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा क्योंकि उन्होंने सोचा शहर के लोग होशियार होते हैं और उनके साथ रहकर मंत्री जी का बेटा भी होशियारी सीख पाएगा। मंत्री जी ने सोचा कि शहर के जो लोग होते हैं ना वो होशियार होते हैं तो उनके साथ रहकर उनका बेटा भी होशियार बन सकेगा। होशियार मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। क्वेश्चन थ्री, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो, पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गए। देख, ये जो हमारे घर के बड़े लोग थे जैसे दादाजी दादी जी, पहले कहाँ रहते थे? अब पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति का पता करो जो कहीं और जा के बस गए, जैसे कि वो किसी गांव में रहते हैं, बाद में किसी सिटी में चले गए, शिफ्ट हो गए कहीं पर। इससे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि वे अपने निर्णय से खुश है क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इसमें ये बोलना है कि कोई ऐसे एक मैन, एक वुमन और एक चाइल्ड से बात करो कि वो अपने निर्णय, वो उन्होंने अपनी जगह क्यों छोड़ दी। उत्तर आंसर, फर्स्ट, मेरे घर के बड़े लोग यानी दादाजी और दादी जी पहले अपने गांव में रहते थे। मेरे घर के बड़े लोग यानी ग्रैंड पेरेंट्स। वेट, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। दो, पापा, सॉरी, गांव मीन्स विलेज। सेकेंड, पापा के पहचान में अंकल ने भी शहर में घर खरीद कर वहाँ बस गए। पापा मीन्स फादर। शहर में मीन्स सिटी में, सिटी में घर खरीद कर, हाउस खरीद कर, हाउस, होम या होम खरीद कर वहां बस गए, वहां रहने लगे। अंकल अपने निर्णय से खुश हैं, उन्हें
शहर में रोजगार के अवसर मिले और अनेक सुविधा। जो अंकल ने यह निर्णय लिया था वो उस निर्णय से बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें रोजगार के अवसर मिले और अनेक सुविधाएं मिली। फॉर आंटी जी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें नए अवसर मिले। आंटी जी खुश हैं, उन्हें भी कुछ नया करने को मिला। भाई बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। बच्चे खुश हैं क्योंकि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। अवसर मीन्स मौका। जो एक तरह का नाम है, जो एक नाम है, कई तरह से किया जाता है। उसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है। सत्तू का आटा जो व्रत में खाया जाता है, और कोई लोग वैसे भी खाते हैं, और सूखा बुनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कोई और अनाजों के नाम पता करो। अभी यहाँ पे हमें ना बहुत सारे अनाजों के नाम पता करने हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हैं जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, जौ, धान और रागी। गेहूँ मक्का मीन्स कॉर्न। ज्वार सोगम। जो बाले। धान पेड़ी। रागी फिंगर। गेहूं और जो अनाज होते हैं, और यह तीन शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए यह दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक। अभी जो गेहूं है और जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे किसी भी चीज़ का स्पेशल नेम, अब डॉग ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बोला है पाठ्यपुस्तक, यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक तो बहुत होती है, जैसे इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, इविल्स की। और रिमझिम, रिमझिम बुक का स्पेशल नेम है रिमझिम, और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। गेहूं और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए है कि उसमें अनाजों के नाम बताया। मैंने बोल दिया अनाज ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अब अनाज तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, चावल आदि। और जातिवाचक अनाज इसलिए कि, और गेहूं और जो स्पेशल नेम बताए गए हैं, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। नीचे दी गई संख्याओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संख्याओं में करो। लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। यहाँ इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? इन वर्ड्स में व्यक्तिवाचक संज्ञा है तांबा, लेह, खिचड़ी, शेरवानी, और ढूंढते हैं यही फोर है। और जातिवाचक फ्रेंड्स मैं यहाँ इसमें ना अंडरलाइन कर देती व्यक्तिवाचक संज्ञा को, लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी, और धातु शहर। धातु शहर, भोजन और वेशभूषा, ये जातिवाचक संज्ञा। मैंने अंडरलाइन कर दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा को,
और सर्कल कर दिया है जातिवाचक संज्ञा को। इसमें मैंने धातु बहुत होते हैं, इसमें मैंने 3 लिखने थे, लोहा, सोना और चांदी। शहर केरल, पंजाब, असम। भोजन दाल, पराठा, खीर। वेशभूषा धोती, कुर्ता, टोपी। नेक्स्ट, तुम शेर, मैं सवा शेर। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताओ। जब वो लड़की ने पहली बार भेड़ों के बाल बेचे थे और जब वो मंत्री जी का बेटा घर लेके आया, उन्होंने कहा कि अगले दिन का भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे पसंद नहीं आया। क्या ये बात मंत्री जी को सचमुच पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताओ। कारण मीन्स रीजन। मंत्री जी को यह बात जरूर पसंद आई होगी। मंत्री जी ने इस फ्रेंड हमें स्प्रिंट है मंत्री जी को यह बात जरूर पसंद आई होगी, पर इसमें उनके बेटे के समझदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने अपने बेटे को उन्हीं भेड़ों के साथ फिर से शहर भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और मौका मिल सके। इसमें इस आंसर का मीनिंग है, मंत्री जी ने अपने बेटे यह बात मंत्री जी को पसंद आई होगी, पर इस बात में उनके बेटे की कोई होशियारी नहीं थी, कोई बुद्धिमानी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को वापस भेजा, ताकि उनकी भी कोई होशियारी दिखाने का मौका मिल सके। गेहूं और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ खरीदी होगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। देखो, पहली बार तो मंत्री के बेटे ने ये भेज दिए थे, क्या कहते हैं, भेड़ों के बाल, और दूसरी बार में सींग भेज दिए। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी, उनने इनसे क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। फर्स्ट, भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी, जिससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ये जो भेड़ों के बाल थे, आपको पता है, उनसे वुल बनती है। ऊन मीन्स वुल। वुल बनाई होगी जिससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे शॉल। शॉल फ्रेंड्स, यहाँ भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट का सामान और औजार बनाए होंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ। नेक्स्ट, बात को कहने के तरीके। फर्स्ट, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क, चैन से जिंदगी चल रही थी, शांति से जीवन बीत रहा था। ख, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। ग, मैं इसका हल निकालती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। ये घ है, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई, उनकी अपनी क्लेवरनेस काम नहीं आई। सेकेंड, लोनोपुगार का बेटा होशियार नहीं था, होशियार और चालाक में
तर्क होता है, जिस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धि के बारे में भी, फिर से बुद्धू है, के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। होशियार शब्द का अर्थ, होशियार शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ के लिए होता है, जिसका अर्थ है समझदार। जैसे कि बुरे समय पर हम समझदारी से काम ले सकते हैं। जबकि चालाक शब्द का अर्थ, जबकि चालाक शब्द का प्रयोग बुरे अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे कि चालाकी से कोई किसी को धोखा देकर कुछ छीन लेता है। भोले शब्द का अर्थ है सीधा साधा, मन का अच्छा इंसान जो हमेशा अच्छे काम करता हो। बुद्धू मूर्ख या बेवकूफ आदमी या बुद्धू होना, जिसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो। जरूरी नहीं है कि अच्छा भोला आदमी मूर्ख हो। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम समझदार कहेंगे क्योंकि लड़की ने अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से मंत्री जी के बेटे की कई मुसीबत का हल निकाल दिया। इन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।